हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार सैनी अपने चैनल सैनी ऑल इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक वाटर डीजल इंजन की वीडियो बनाने। और दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे डीजल इंजन किस प्रकार स्टार्ट करेंगे और उसमें जो प्लास्टिक का पाइप है उसको भी लगाएंगे और उसके जॉइंटों को भी करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हम आपको वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, इससे हमारी नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारे भाई हैं प्लास्टिक की पाइप में जो जॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट कर रहे हैं। और हमारे अभी हमारे पास ये छोटा टुकड़ा और भी धरा हुआ है, हम इसको भी दूसरे साइड में लगा के फिर आपको दिखाएंगे इंजन स्टार्ट कैसे करते हैं। और फिर गेहूँ की सिंचाई, ये हमारे गेहूँ हैं तो हम आपको इनकी सिंचाई करके दिखाएंगे। ये इनको खाली करके आगे जॉइंट करेगा आगे की साइड में प्लास्टिक के पाइप को। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारे भाई आगे की तरफ ले जा रहे हैं इस टुकड़े को खींच कर। तो दोस्तों, अब इस बारे जॉइंट पर यहाँ पर इस पर इसको जॉइंट करके ही आगे की तरफ गेहूँ के लिए पानी करेगा। और दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे गेहूँ खड़े हुए हैं तो गेहूँ में हम इसमें पानी लगा रहे हैं। और हमारा इंजन उस कोने पर है तो थोड़ी देर में हम आपको इंजन के पास भी ले जाएंगे, वहाँ स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ दिखाएंगे आपको पानी कैसे। तो देखो दोस्तों, ये हमारे भाई लगा रहा है, इन जॉइंटों को मिला रहा है, इससे पानी पूरी तरह से खेत में जहाँ ले जाना है वहाँ तक पहुँच सकता है। ऐसे छोटे छोटे पैपों के टुकड़े से जगह जगह पर लगा दिए जाते हैं, इससे के पास पास से ही भरा जाता है। इसमें ये माटी लगा दे रहे हैं कि इससे पानी भी नहीं बैक होए। तो दोस्तों, ये प्रॉपर इंग लग चुका है तो आगे अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अब ये वायर कंप्लीट होने में थोड़ा ही रह गया है, इसको वाल कंप्लीट करके आपको वाटर डीजल इंजन चलाएंगे आप। हेलो दोस्तों, अभी एक टुकड़ा और बाकी रह गया है, उसको भी इसमें कनेक्ट करके जब हम दिखाएंगे वाटर इंजन चलाएंगे स्टार्ट करेंगे गेहूँ की तरफ। तो हमें भाई हैं ये इसको ले जा रहे हैं, जैसे इस कोने से यहाँ ये जो खेत का लास्ट कोना है वहाँ तक पहुँच जाएगा ये टुकड़ा, और इसी से पूरे हमारे गेहूँ की सिंचाई होगी, इस प्लास्टिक के पाइप से पानी आएगा। तो दोस्तों, अब ये उसने पूरा डाल दिया, इसका एक जॉइंट हुआ है, इसका जॉइंट को और कनेक्ट करना रह गया बाकी, इसमें इसका जॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब ये भी होता जा रहा है, इसको अभी होता है ये भी कनेक्ट, इसमें कुछ नहीं है, बस एक अगले पैंप का पिछले पैंप में उसको करके इसमें घुसा कर देना पड़ता है, इससे उसमें हुआ था, इसे मिट्टी लगाने से ये होता है, इसमें पानी बैक नहीं होता है। तो दोस्तों, अब ये यहाँ तो हो जाएगा कंप्लीट, इसको सीधा कर दें इस पैप को, फिर चलते हैं इंजन की तरफ। तो हमारे भाई हैं या इसको सीधा करके अभी इंजन स्टार्ट करेंगे। तो भाई, अब ये हो गया कंप्लीट, तो अब हम चलते हैं अपने वाटर इंजन की तरफ। तो दोस्तों, हम कंप्लीट अपने वाटर इंजन के पास आ चुके हैं, तो हम इसको स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा वाटर इंजन है, हमने वहाँ से आपको ये दिखाया था, तो वाटर इंजन है। और ये हमारी इसकी बोरिंग है, काफ़ी गहरी है, कम से कम 15 फीट के करीब नीची होगी। तो अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। और ये हमारे भाई हैं धर्मवीर सैनी है, और अब ये स्टार्ट करके दिखाएंगे क्या हुआ। चालू स्टार्ट करो, सर्दी क्यों, ये कह रहा है कि सर्दी से ये ठंडा हो जाता है, तो सर्दी में कोई ज़रूरी नहीं है एक ही बार में चालू हो जाए। नहीं 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 भाई साहब, ये तो वास्तव में ठंडा पड़ गया, अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसको तो कई बार चलाना पड़ेगा जब स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा भाई साहब, अब तो इसमें कुछ और ही करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसमें ये कह रहे हैं, इसमें अभी माचिस की तिली से माचिस के जो लुक्का सा बना के एक गर्म करना पड़ेगा ये इंजन जब ही स्टार्ट होगा। तो अभी देखते हैं, कुछ हमारे ये इतनी साइड में वहाँ चाचा वहाँ गए हैं तो उस लेने कुछ इसके लिए स्टार्ट करने के लिए। तो देखते हैं अभी थोड़ी देर हम। तो हेलो दोस्तों, हमारे भाई ने ये बना लिया इसके लिए, चलाने के लिए एक लुक्का बना लिया इसके लिए। तो अब इसको डीजल से जो गीला कर लेते हैं, इसलिए इसमें आग लग जाए और इसको दिखाएंगे, फिर इससे गर्माई से ये स्टार्ट होगा।
ये हमारे चाचा आ चुके हैं और ये इसको जला के लुक्के को इनने बना लिया लुक्का, और हम हो जाते हैं साइड में। इससे क्या है कि ये वाह वाह वाह, ये तो उल्टा बैग ही हो गया। अभी तो अभी गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा गर्म हुआ एक ही बार। तो दोस्तों अभी इसको स्टार्ट करने हैं, इस जाड़ सर्दियों के दिनों में इनको स्टार्ट करने में भारी प्रॉब्लम आती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कमेंट करें और लाइक करें। हो गया स्टार्ट दोस्तों, लुक हमारा इंजन स्टार्ट हो चुका है, जो डीजल इंजन है। अगर इसमें अभी फिर भी एक समस्या आई हुई है कि अभी इसमें पानी नहीं आया है, तो इसमें पानी करने के लिए इसमें ये वायरिंग का इंजन है, इसमें अपने यहाँ पर क्या कहते हैं ये पता नहीं, हमारे यहाँ पर इसको बोरिंग कहते हैं, इसके अंदर उतरना पड़ेगा। और इसकी जो इंजन का ये जो रबड़ का बेल्ट चढ़ी हुई है, इसके नीचे पंखा है, उसमें हवा काटनी पड़ेगी इनसे। जब इसकी हवा निकलेगी जो एयर होती है, जब इसमें पानी आएगा, तो दोस्तों अभी ये थोड़ा इंजन को गर्म कर रहे हैं कि इसके बाद में ये प्रॉब्लम नहीं आए, ठंडा हो जाता है। और दोस्तों अब ये इंजन बंद कर दिया, हमारे ये चाचा हैं ये इसमें उतर रहे हैं और ये इसमें उतर के जाएंगे नीचे। इसका खैर इसका रस्सा तो इधर से पल्लम करूं, रस्सा चलिए कह रहे हैं हम पटा से ही पकड़ के उतर जाएंगे। अब ये इसमें उतर के जा रहे हैं नीचे, देख सकते हो आप किस पे। अब पानी नहीं उठाया इसने इंजन को, तो इसमें क्या है कि थोड़ी एयर निकालनी पड़ेगी इसकी। और इससे क्या है हम आपको दिखा देते हैं, इस प्रकार इसमें पानी भी करना पड़ेगा। ये इसके अंदर चले गए हैं बोरंग के, और आपके यहाँ पे इसको क्या कहते हैं आप हमको कमेंट करके इस बताएं कि आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। और वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे ऐसी बोरंग की वीडियो हमारी आती रहेंगी आपके पास। हमारे भाई इसमें थोड़ा पानी डाल रहे हैं इस इधर की साइड से, इससे क्या है पानी उसमें है नहीं है पंखा में, इसलिए उसने पानी नहीं उठाया है। और अभी हमारे चाचा कुछ बोल रहे हैं, अंदर से आवाज़ आ रही है कर, अभी हम आ रहे हैं। और ये हाँ, और ये अब इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे और इसका बाल लगाने की कह रहे हैं। तो अब ये इसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं इंजन को, तो हम तो काफ़ी दूर से ही बना रहे हैं। तो अब तो एक ही में हो गया, अब तो इंजन गर्म हो गया है भाई दोस्तों। तो हम ये इनको देख रहे हैं कि इसमें क्या है हवा जो ये एयर निकाली जा रही है, तो हम आपको भी पल्ली साइड से जाकर दिखाते हैं कि एयर किस प्रकार निकालते हैं। आपके यहाँ पर निकालते हो तो एयर भी दिखाएंगे हम आपको निकालते हुए, कर यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है आपको, अंदर तक दिखाते हैं जूम करके थोड़ा ना, कि इसका पंखा है और इसमें एयर निकालनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमारे चाचा हैं उसको इशारा करते हैं और इसकी एयर निकाल रहे हैं। तो दोस्तों अभी टाइम लग रहा है वाटर इंजन से ये पानी निकालने में, सर्दियों के दिनों में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए अभी पानी नहीं है इसमें, अभी पानी आने में देर लग रहा है। नीचे से आवाज़ भी आ रही है, और हम आपको और डूब और दिखा देते हैं नीचे से किस प्रकार। अब तो लगता है दोस्तों पानी आ चुका है इसमें, अब तो कर रहे हैं पाइप टाइट हो गया है प्लास्टिक का। अब भाई भाई कह रहे हैं कि आ जाओ, तो पानी आ गया। अब वो हमारे जो चाचा हैं वो नीचे से ऊपर चढ़ के आएंगे और देखते हैं हम किस प्रकार इस चढ़ के आते हैं। ये आ रहे हैं चढ़कर इस पर, इस जो पटा है इसी से चढ़ जाएंगे। अब तो पानी तो आ ही चुका है इसमें, अब इसको ये निकल आएंगे बाहर, तो डीजल इंजन अपना स्टार्ट हो जाएगा और हम ले चलेंगे उसी पाइप के पास जहाँ वो जॉइंट कर रहे हैं, और आपको बताएंगे हम पानी। और ये कह रहे हैं हाथ पकड़ो, इसलिए छड़ जाने में वो हो जाए प्रॉब्लम। तो दोस्तों अब ये आ चुके हैं निकल कर, अब इसको स्टार्ट कर देंगे। और ये पानी तो आ ही चुका है, और आप देख रहे हो ये पाइप बहुत दूर से गया है घूमकर, वहाँ लंबे वो डोर की दिख रही है कोने पर वहाँ तक।
कहानी तो आ ही गया दोस्तों। अब ये वाटर इंजन है इसका, देखो ये छोटा पाइप है, इसमें भी पानी आ चुका है और हम चलते हैं अपने इंजन उस पाइप की तरफ। वहाँ पाइप में बल लग गया है इस कह रहे हैं, अब देखते हैं उस पर चल के उसमें क्या होगा प्रॉब्लम, तो चलते हैं। तो वहाँ पाइप में बल लग गया पानी के में, इसलिए हम आप जल्दी जा रहे हैं वहाँ पर। वहाँ चाचा आगे भागे आगे जा रहे हैं इसलिए क्योंकि उसमें नहीं, ये प्लास्टिक का पाइप है, ये फटने की उम्मीद बन सकती है, ये फट भी सकता है जब पानी का प्रेशर काफ़ी तेज़ होता है तो फट भी सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो प्लास्टिक का पाइप था उसमें अंटा लग चुका था, इसलिए इसी को अब यहाँ पर इसको दोबारा से रिपेयर किया जा रहा है, यानी इसको जॉइंट कनेक्ट करेंगे इसमें दोबारा से, और आपको हम दिखा देते हैं इस प्रकार इसको जॉइंट हो रहा है। अब जो हो गया इसमें जॉइंट, अब उनसे कहते हैं कि इसको तेज कर दें इंजन से, इसमें पानी आ जाए और देखते हैं इसमें से कहीं पानी तो लीकेज नहीं होता है, इसलिए इसमें मिट्टी और लगा देते हैं थोड़ी, इससे क्या है मिट्टी से पानी वापसी नहीं होता है। अब उनसे कह दो, अब चाचा ने सारा कर दिया इंजन को, अब वो तेज़ कर देगा इंजन की आवाज़ भी थोड़ी तेज़ हो गई है, अब इसमें पानी आ जाएगा। अब पानी आने वाला है इसमें, पाइप इधर की साइड से तो देखा पाइप भरी हुई है, इसमें पानी आ चुका है, आप यहाँ भी देख रहे होगे आवाज़ भी आ गई है पानी की काफ़ी तेज़, अभी इधर यहाँ से तो लीकेज हुआ नहीं है। फिर हमारे पाइप यहाँ से फिर बल्ब खा रही है, यहाँ से चलन दो यहाँ से, तो यहाँ पर अभी ये पानी निकल आया, ये पैंप भी लीकेज है कहीं कहीं से, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम तो ज़्यादा आ ही रही है। तो हम अब चलते हैं हम उधर की साइड में जहाँ पानी खेत में निकल लिया है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए इसमें से पाइप में से पानी निकल लिया है और स्पीड से, और हमारा इंजन वहाँ चल रहा है उस कोने पर, और हम आ गए हैं अब। और तो हम यहाँ से चलते हुए आ चुके हैं हम अपने वाटर के जो यहाँ पर, तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम पानी, यहाँ पर ये भी जॉइंट सही लगा हुआ है, इसमें से भी पानी नहीं है, तो ये पानी आ गया, हम आ गए हैं यहाँ पर पानी के पास। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पानी काफ़ी स्पीड में आ रहा है, तो इतनी घूम कर इतनी दूर बड़ी ले जम से प्लास्टिक पाइप से, तो हमें भी काफ़ी देर हुई इसमें, इस वीडियो को शूट करने में काफ़ी टाइम लगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को पसंद शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर, अगर नहीं है तो ऐसी वीडियो मज़ेदार आप देखने के लिए मिलती रहेंगी हमारी यूट्यूब चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मातरम।